ठीक है, यूनिट एंड डायमेंशन पढ़े थे हम लोग, यूनिट्स एंड डायमेंशन। आज कोई नया बच्चा है क्या? जी सर। बट आपने डायमेंशन के बारे में कभी सुना है? डायमेंशन क्या होती है? यस सर। ठीक है, डायमेंशन निकालना आता है आपको? यस सर। ठीक है, चलो आप लोग डायमेंशन निकालोगे। अब फाइंड डायमेंशन ऑफ, अब थोड़ा सा मैं और टफ करवाता हूं, चार्ज। चार्ज सुना है? चार्ज की डायमेंशन निकालो। चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से, देखते हैं कौन जल्दी बताता है। आप लोग फॉर्मूले के लिए बुक देख सकते हो, आपके पास अगर बुक है एनसीईआरटी तो आप फॉर्मूले के लिए बुक देख सकते हो। चार्ज की डायमेंशन निकालो, सभी निकालेंगे। चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है? क्यू बराबर होता है आई बाय, सॉरी, करंट जो होती है, करंट आई इक्वल टू होता है क्यू बाय टी। ठीक है, आपने सुना होगा करंट जो होती है वो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होती है। तो यहां से क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्यू इक्वल टू हो जाएगा आई इंटू टी। तो डायमेंशन ऑफ चार्ज क्या हो जाएगी? करंट की जगह करंट ए लिख दो चाहो तो आप, या फिर आई भी लिखते हैं हम लोग, ए इंटू टी। तो ए की पावर वन, टी की पावर वन। ठीक है, तो अगर आप m के फॉर्म में लिखोगे m0 l0 t की पावर 1 इंटू a की पावर 1, तो ये डायमेंशन किसकी हो जाएगी? चार्ज की डायमेंशन हो जाएगी। आया समझ में? किसी को कोई डाउट है? अंकिता? ठीक दिख रहा है ना बेटा? कोई डाउट है? राजी आलम? ठीक, साक्षी? बेटा समझ में आ गया? ठीक, तो चार्ज की डायमेंशन निकालो। ठीक है, चार्ज की डायमेंशन निकाल लिया, अब इसको नोट कर लो, फिर हम निकालते हैं और फर्दर। ठीक है, इसके बाद आता है नेक्स्ट। देखो अब आप सब लोग सॉरी मैं खराब हो गया। तो
सेकंड निकालो आप। यंग मॉडुलस ठीक है, यंग मॉडुलस का फॉर्मूला y इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया डिवाइडेड बाय डेल्टा एल अपॉन एल। एक्चुअल में क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन डेल्टा अपॉन स्ट्रेन होता है। हाँ, डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल। डेल्टा एल मतलब चेंज इन लेंथ, ठीक है। डेल्टा एल लिखा हुआ ये, डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल। ऋषि यहां पे क्या कर रहा है, ठीक है, सभी निकालेंगे डायमेंशन और जल्द आंसर बताएंगे मुझे। सर ML टू द पावर माइनस वन टी टू द पावर माइनस टू। ये बादल, चलो ठीक है, अभी चेक करेंगे आंसर, ठीक है। और किसी का आया, ML3T-2। और बेटा अंकिता, बेटा साक्षी, सर ML-1T-1। रेडमी अपना माइक बंद कर दो। क्या बोल रहे सर? मतलब माइक बंद कर दो अपना। यस सर, ठीक। आपकी आवाज है ना, बाकी बच्चे थोड़ा डिस्टर्ब हो रहे हैं। मैं जब बोलूंगा तब खोल लेना, ठीक है? यस सर। ओके ठीक है, अंकिता हो गया। साक्षी बेटा, आंसर आया आपका? ML का पावर 3 T-2। चलो देखो, इसको देखो कैसे करेंगे। y इक्वल टू, इसको अगर मैं फर्दर सॉल्व करूं तो फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया इनटू डेल्टा एल अपॉन एल, ऊपर चला जाएगा। फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, ML T-2। फोर्स की डायमेंशन फिक्स है। एरिया की डायमेंशन क्या होगी, एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ, लेंथ इनटू ब्रेड्थ मतलब एल इनटू एल का स्क्वायर करूंगा मैं। ब्रेड्थ भी तो क्या एक तरह की लेंथ ही हुई, ऊपर भी आएगा एल और नीचे भी डेल्टा एल। चेंज इन लेंथ भी आपका एल ही होगा, ठीक है। चेंज इन एल लेंथ भी आपका एल होगा, तो एल से एल कैंसिल। अब देखो, एक एल ऊपर है और एक एल नीचे, तो एल से एल कैंसिल हो गया। एक इस एल को आप ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, पावर कितनी हो जाएगी, ML-1T-2। आया समझ में बेटा? यंग मॉडुलस होता है कब, डायमेंशन फॉर्मूला होता है ML-1T-2। जिसने गलत करा सही कर लो। सही था समझ। वेरी गुड, सही कर लो इसको। ठीक है, नोट कर लिया सबने?
ठीक है, सही कर लिया सबने। ओके ठीक है, चलो आगे देखो। यंग मॉडुलस के बाद अब निकालोगे आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। क्या बेटा? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की डायमेंशन निकाल लिया हम लोग। ये पहली बार नाम सुन लोगे आप लोग। मैं फॉर्मूला लिख दूंगा ग्रेविटेशनल। अब कोई गलती नहीं करेगा, सबका आंसर सही आना चाहिए। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, इसको वीजी से डिनोट करते हैं हम लोग। वीजी इक्वल टू होता है पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय मास। चलो वीजी की डायमेंशन निकालो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की डायमेंशन निकालो आप लोग सभी। यस सर, L2 T माइनस टू। L2 T माइनस टू, वेरी गुड। और कोई? M L2 T माइनस टू। M भी आ रहा है? नो सर। अभी किसने बताया था? अंकिता ने बताया था मुझे। yes, आपकी आवाज कट कट के आ रही है, वहां पे आपका नेटवर्क सही नहीं आ रहा शायद। तो पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय मास, सब सही करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लिखो पहले, तो क्या होता है या पोटेंशियल एनर्जी के डायमेंशन लिख दो ऊपर। ML2T। हाँ, कोई गलत नहीं करेगा, सब सही करेंगे। वापस चेक करो, देखो कहीं गलती तो नहीं हो रही आप लोगों से। सर इससे पहले क्या दिए थे? इससे पहले यंग मॉडुलस। थैंक यू। ठीक है, हो गया, आया आंसर। साक्षी बेटा आ गया आपका आंसर? यस सर। क्या आया आंसर? एम जीरो एल टू टी माइनस टू। वेरी गुड, एम जीरो एल टू टी माइनस टू। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी की डायमेंशन क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी की डायमेंशन होती है जो जो वर्क की होती है, जो एनर्जी की होती है, एम एल टू टी माइनस टू, ये पोटेंशियल एनर्जी की डायमेंशन हो जाएगी। और मास की डायमेंशन, मास के लिए एम आता है, एम से एम कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो वीजी इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी? एम अगर लिखना चाहूं तो एम की पावर जीरो लिखूंगा, L2 T माइनस टू, एम जीरो एल टू टी माइनस टू। ठीक है, सब नोट कर लेंगे, एम जीरो एल टू टी माइनस टू। तो आप लोग डायमेंशन निकाल पाओगे ना? अब कोई ऐसा जिसको डायमेंशन में प्रॉब्लम हो अभी भी? नो साक्षी बेटा निकाल लोगे डायमेंशन अब? यस सर। अंकिता? यस सर। निकाल लोगे ना अब? यस सर, निकालेंगे। सुचंदिता? यस सर। निकाल लोगे डायमेंशन अब? हाँ सर, अभी निकाल। और रेड रेडमी वाले ने क्या नाम बताया था मुझे बेटा? आपका नाम क्या था?
सुधांशु सिंह, सुधांशु सिंह अपना नाम चेंज कर लो वहां पर, रेडमी देखो ऑप्शन में जाके वहां पर रेडमी को हटा के सुधांशु कर लो। यस सर। ठीक है, ताकि मैं फिर रेडमी बोलूंगा अच्छा नहीं लगता ना। यस सर। ठीक है, अब देखो डायमेंशन सबको निकालना आ गया, मुझे लगता है डायमेंशन सबको निकालना आ गया। अब हम लोग पढ़ेंगे डायमेंशन हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसका यूज क्या है, डायमेंशन का क्या यूज है वो पढ़ेंगे हम लोग। अब टॉपिक डालोगे आप यूजेस ऑफ डायमेंशन, टॉपिक डालो यूजेस ऑफ डायमेंशन, डायमेंशन का क्या यूज है। यूजेस ऑफ डायमेंशन, ठीक है, डायमेंशन हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, उसका क्या यूज है। तो सबसे पहला यूज है इसका बेटा, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करने को। मतलब तो सिस्टम क्या होता है, आप लोगों ने सिस्टम के बारे में नहीं पढ़ा होगा, सिस्टम के बारे में बताता हूं। सिस्टम क्या होता है, जो यूनिट होती है, अब जैसे हमारे यहाँ पे मीटर में मेजर करते हैं एक लेंथ को, तो कहीं पर इसको सेंटीमीटर में मेजर करते हैं, कहीं पर इसको फुट में मेजर करते हैं। ठीक है, तो पहले के समय में जो लेंथ वगैरह को मेजर किया जाता था वो फुट में मेजर किया जाता था, और फिर उसके बाद सीजीएस सिस्टम आया, तो सीजीएस में फिर उसको सेंटीमीटर में मेजर करते हैं। ठीक है, मास को जैसे वो ग्राम में मेजर करते हैं, हम लोग केजी में मेजर करते हैं, तो उस तरह से मतलब एक रेफरेंस स्टैंडर्ड बना दिया। ठीक है, जिसको पूरी दुनिया माने। तो सिस्टम जो होता है, सिस्टम कितने टाइप के होते हैं देखो, पहले कौन सा सिस्टम था, पहले हम लोग लिखते हैं सीजीएस सिस्टम, सीजीएस के बाद आता है एफपीएस, एफपीएस के बाद आता है एमकेएस, और एमकेएस के बाद आता है एसआई। ठीक है, यहां पे मैं लिखूंगा लेंथ। ठीक है, लेंथ को किस में मेजर करते हैं, सीजीएस में। लेंथ के बाद लिखूंगा मास, मास के बाद लिखूंगा टाइम। ठीक है, तो सीजीएस सिस्टम जैसे नाम से ही पता चल रहा है, सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। तो सीजीएस सिस्टम में जो लेंथ को मेजर करेंगे वो किस में मेजर करेंगे, सेंटीमीटर में, सीएम सेंटीमीटर। मास को मेजर करेंगे किस में, ग्राम में, तो मैं ग्राम लिख दूंगा यहाँ पे। और टाइम को एस फोर क्या, सेकंड, तो सेकंड लिख देंगे हम लोग। ठीक है, तो सीजीएस सिस्टम जब चल रहा था तो उस समय जो लेंथ को मेजर करते थे हम लोग वो सेंटीमीटर में करते थे, मास को मेजर करते थे ग्राम में, उसके बाद टाइम को मेजर करते थे सेकंड में। फिर आया एफपीएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम में हम लेंथ को मेजर करते हैं किसमें, फुट में। अभी भी आप लोग फुट का इस्तेमाल करते हो, मैं आपसे पूछूं आपकी हाइट कितनी है तो आप बोलोगे 5 फीट या 5 फीट 6 इंच। ठीक है, तो अभी भी फिट चल रहा है वो सिस्टम, ठीक, लेकिन अभी इतना कम चल रहा है एज कम्पेयर टू जो पहले जो इतना चलता था। ठीक है, तो फुट हो गया। मास को मेजर करते हैं पी फॉर पाउंड, मास को किसमें मेजर करते हैं, पाउंड में। ठीक है, और टाइम को किसमें मेजर करते हैं, सेकंड में। एमके सिस्टम में क्या करते थे हम लोग, एमके में लेंथ को मेजर करते हैं मीटर में, मास को मेजर करते हैं केजी में, और टाइम को अगेन इसमें किसमें मेजर करते हैं, सेकंड में ही मेजर करते हैं। ठीक है, टाइम सब में ही सेम है, सेकंड में मेजर किया जा रहा है। एसआई में भी ये हुआ, एमकेएस का जो डिराइव फॉर्म बोल सकते हो आप एसआई, एमकेएस से ही एसआई बना फिर बाद में। ठीक है, सबसे लास्ट में आपका एमकेएस आया, फिर एमकेएस के बाद क्या आया, एसआई। एसआई की फुल फॉर्म क्या होती है, कल भी मैंने बताई थी आपको, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। एसआई का मतलब होता है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। ठीक है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल मतलब इस सिस्टम को पूरे, इंटरनेशनल का मतलब पूरी दुनिया ने इसको मान लिया है। तो अगेन इसमें जो लेंथ मेजर करते हैं वो मीटर में ही करते हैं, मास मेजर करते हैं वो किसमें करते हैं, केजी में ही करते हैं, और टाइम जो मेजर करते हैं वो सेकंड में करते हैं। तो ये आपके डिफरेंट टाइप के सिस्टम्स हैं। ठीक है, हम अपना खुद का अलग सिस्टम बना सकते हैं,
लेकिन हमें एक ऐसा सिस्टम चाहिए जिसको पूरी दुनिया एक्सेप्ट कर सके, पूरा वर्ल्ड एक्सेप्ट कर सके। तो उस कारण से अभी जो सिस्टम चल रहा है वो ऐसा ही सिस्टम चल रहा है। इसलिए हम जब भी कुछ भी डिराइव करते हैं फॉर्मूला वगैरह या फिर कुछ भी मैं क्वेश्चंस वगैरह जैसे आपको बताता हूँ डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस उनकी एसआई यूनिट क्या होती है, ठीक है, वेलोसिटी की एसआई यूनिट क्या होती है, ठीक है, वो इसलिए बताता हूँ क्योंकि अभी जो सिस्टम चल रहा है वो एसआई चल रहा है। एसआई के अकॉर्डिंग उसकी यूनिट क्या होगी, ठीक है, तो वो सारी चीजें। तो सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल अभी चल रहा है एसआई सिस्टम, ठीक है, बात समझ में आई। सिस्टम क्या होता है, सिस्टम वो चीज होती है उनकी यूनिट्स जो सभी लोग मान ले। पहले चला चलता था एससीजीएस, फिर चलता था एसपीएस, फिर चलता था एमकेएस, फिर आया एसआई आपका। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है मुझसे। सर एमकेएस और एसआई तो लगभग सेम ही है। सेम है, लेकिन एसआई में क्या है, एमकेएस में केवल तीन चीज ली, लेंथ मास और टाइम। यस सर, एसआई में चार पांच चीजें, एसआई में क्या हुआ, सात चीजें ली, सात फंडामेंटल क्वांटिटीज ली हमने। यस सर, यस, ठीक है। ठीक है, नोट कर लो इसको बेटा सब लोग। कर लिया नोट? यस सर। ओके बेटा, ठीक है। तो ये सिस्टम मैंने क्यों बताया, क्योंकि डायमेंशन का यूज अब इन सिस्टम को कन्वर्ट करने के लिए होगा। यूजेस ऑफ डायमेंशन में तो पहला यूज हम लोग लिखेंगे to convert a physical quantity, to convert a physical quantity from one system to another system, from one system to another system, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग डायमेंशन का यूज करते हैं। देखो कैसे डायमेंशन का यूज करते हैं बेटा। सबसे पहले देखो बेटा, यहाँ पे 1 kg लिखा मैंने, 1 kg किसमें है, ये एसआई सिस्टम में 1 kg। अगर मैं इसको सीजीएस में कन्वर्ट करूं तो सीजीएस में कितना होगा, ये सीजीएस में क्या बेटा, ये 1000 ग्राम होगा, क्योंकि 1 kg इक्वल टू कितना होता है, 1 kg इक्वल टू होता है 1000 ग्राम। अच्छा ये 1 क्या है और यहाँ पे 1000 क्या डिनोट कर रहा है, ये 1 क्या डिनोट कर रहा है, ये मैग्नीट्यूड को डिनोट कर रहा है, और न्यूमेरिकल वैल्यू, और ये केजी क्या डिनोट कर रहा है, यूनिट को। अगेन यहाँ पे ये न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू ये क्या डिनोट कर रहा है, यूनिट, यूनिट को डिनोट कर रहा है। अगर इसको मालूम है मैं मिलीग्राम में चेंज करूं, ये तो हो गया 1000 ग्राम, इसको मिलीग्राम में चेंज करूं तो ये 10^6 मिलीग्राम होगा, ये एमजी। अगर आप मिलीग्राम में चेंज करोगे तो 1 kg इक्वल टू 10^6 मिलीग्राम, ठीक है। अगेन देखो यहाँ पर ये न्यूमेरिकल वैल्यू और ये यूनिट, तो इसका मतलब जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है n1 u1 मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू, u1 मतलब यूनिट, इज इक्वल टू न्यूमेरिकल वैल्यू n2 इंटू यूनिट इक्वल टू n3 u3। मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट का जो मल्टीपल आएगा वो हमेशा क्या होगा, मतलब n इंटू यू आपका हमेशा कॉन्स्टेंट होगा। ये बात समझ में आई, न्यूमेरिकल वैल्यू और u हमेशा कॉन्स्टेंट होगी। अगर आप जैसे यूनिट कन्वर्ट करोगे, छोटी यूनिट पे जाओगे तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। बड़ी यूनिट पे जाओगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी हो जाएगी, ठीक है। तो n इंटू यू का मल्टीपल हमेशा कॉन्स्टेंट ही होगा। आई बात समझ में? अब इसी चीज का इस्तेमाल करते हुए हम लोग कन्वर्ट करेंगे
आया समझ में? यस सर। बाकी बच्चों को सुचा निंदा बेटा आ रहा है कुछ समझ में? सर। अच्छा अंकिता और साक्षी को आ रहा है समझ में? यस सर आ रहा है। ठीक है ठीक है, तो n into u हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। इसी कंसेप्ट का हम लोग यूज करेंगे, ठीक है? आप लोग यहां तक लिख लो, इसी चीज का हम लोग यूज करेंगे, ठीक है? तो देखो यहां पे जैसे मान लो मुझे किसी को कन्वर्ट करना है, जैसे मान लो मुझे 10 न्यूटन फोर्स को कन्वर्ट करना है, ठीक है? 10 न्यूटन क्या है? ये आपके पास फोर्स है, मुझे इसको कन्वर्ट करना है किसमें? या न्यूटन किसमें होता है? एसआई में। मुझे इसको सीजीएस में कन्वर्ट करना है, सीजीएस में ये डायन होता है, तो कितने डायन होगा मुझे ये पता करना है, ठीक है? तो कैसे करेंगे? देखो अगेन न्यूमेरिकल वैल्यू इंटू यूनिट, तो न्यूमेरिकल वैल्यू एन वन लिख दोगे, यूनिट को आप कैसे लिखोगे? यूनिट किसकी यूनिट है? ये फोर्स की यूनिट है न्यूटन, तो फोर्स की डायमेंशन क्या होती है? एम एल टी माइनस टू, एम एल टी माइनस टू होती है। तो देखो यहाँ पर अगर मान लो फोर्स नहीं होता, वर्क होता, एनर्जी होती, पावर होती, कुछ भी होती, तो यहाँ पे लिखता एम वन एल वन टी वन, क्योंकि यहाँ पर मैं जो एसआई में होता है वो मास को मैं केजी में मेजर करता हूँ, लेंथ को किसमें मेजर करता हूँ? मीटर में, और टाइम को किसमें मेजर करता हूँ? सेकेंड में। इसकी पावर ए, इसकी पावर बी, इसकी पावर सी, ठीक है? कुछ भी पावर हो सकती है, मैं फोर्स को नहीं कर रहा है, मैं किसी को भी कर सकता हूँ, ठीक है? फोर्स को जैसे मैंने जस्ट एग्जांपल लिया, इक्वल टू क्या हो जाएगा? एन टू न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू एम टू की पावर ए। एम टू क्या है यहाँ पे? क्योंकि एम टू क्यों लिखा मैंने यहाँ पे? क्योंकि जब इसको यहाँ पे कन्वर्ट करूंगा मैं, तो ये केजी में नहीं रहेगा, ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ग्राम के लिए फिर वो मास अलग हो गया ना, तो इसलिए मैंने एम टू लिखा वहां पे। पावर, पावर वही रहेगी, चाहे आप एसआई में हो चाहे सीजीएस में हो, जो डायमेंशन होती है, डायमेंशन क्या होती है? जो फंडामेंटल क्वांटिटी है उनकी पावर, तो डायमेंशन जो रहेगी वो तो सेम रहेगी, ठीक है? तो एम टू की पावर ए, एल टू की पावर बी और टी टू की पावर सी, ठीक है? तो मुझे एन टू निकालना है, तो एन टू बराबर क्या होगा? एन वन एम वन अपॉन एम टू, डिवाइड में आ जाएंगे, एम वन अपॉन एम टू ऐसे लिखो आप, एम वन अपॉन एम टू की पावर ए इंटू एल वन अपॉन एल टू की पावर बी इंटू टी वन अपॉन टी टू की पावर सी। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, ये फॉर्मूला याद रखोगे आप यूनिट कन्वर्ट कर पाओगे, ठीक है? एन टू बराबर एन वन, एन वन क्या है? जिस सिस्टम में आपको गिवन है, और N2 जिस सिस्टम में आपको निकालना है। M1 उस सिस्टम में मास क्या है, मास किस में लेते हैं? L1 उस सिस्टम में लेंथ किस में लेते हैं? T1 उस सिस्टम में टाइम को किस में लिया गया है? M2 जिस कन्वर्ट करना है, हाँ? अगर हमको CGS से SI में करना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, CGS से SI, SI में से CGS, यही फॉर्मूला लगेगा, यही सेम सेम फॉर्मूला लगेगा। ओके सर, एन टू एन वन का प्लेस चेंज नहीं होगा? नहीं, कोई चेंज नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ अभी कैसे करने के, ठीक है? हम सीजीएस से एसआई में और एसआई से सीजीएस में करेंगे, ठीक है? ओके सर, इसको नोट कर लो सब लोग, तीन साढ़े तीन मिनट करीब बचा है, अर्ली है, ठीक है? तो मैं इसको न्यूटन को कन्वर्ट करके दिखाता हूँ। 10 न्यूटन को कन्वर्ट करना है मुझे किसमें? डायन में। मेरे को पास फॉर्मूला क्या है? N2 बराबर N1 M2, ठीक है? ये फॉर्मूला आपने नोट कर ही लिया। अब देखो 10 न्यूटन को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग। तो सबसे पहले मेरे पास N1 कितना है? N1 है 10। ये क्या चीज है? मुझे पता है फोर्स है ये, तो फोर्स की डायमेंशन क्या होती है? फोर्स की डायमेंशन होती है एम एल टी माइनस टू, ठीक है? अब इसको कंपेयर करो, ठीक है? M की पावर वहां पर क्या थी? A। यहां पर क्या होगी? क्या A इक्वल टू वन हो जाएगा? वहां पर मैंने क्या लिखी थी पावर? फॉर्मूला क्या लिखा था? फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है N2 बराबर N1 M1 अपॉन M2 की पावर A
एल वन अपॉन एल टू की पावर बी, टी वन अपॉन टी टू की पावर सी, इससे कंपेयर करेंगे तो एम वन की पावर क्या है, एम की पावर क्या है वन, तो यहाँ पे वन लिख देंगे। एल की पावर क्या है वन, बी, तो बी इक्वल टू कितना हो जाएगा वन, और टाइम की पावर क्या है सी, कितना होगा सी, क्या माइनस टू हो जाएगा। ये बात समझ में आई क्या, ये जो पावर है ए बी सी की वैल्यू वो उससे कंपेयर करके आप करोगे निकालोगे, ठीक है। ओके बाकी बच्चों को आ रहा है समझ में कुछ? यस सर। ठीक है, तो फोर्स को कैसे कन्वर्ट करेंगे, फोर्स को अब लगाओ फॉर्मूला, एन टू एन वन कितना है मेरे को पास टेन, एम वन, एम वन क्या होता है जिस सिस्टम में आपको गिवन है केजी में गिवन है, एसआई में गिवन है, तो एसआई में किसमें लेते हैं हम लोग केजी में, और किसमें कन्वर्ट करना है सीजीएस में कन्वर्ट करना है, तो इसमें क्या होगा ग्राम, ग्राम पावर कितनी one. पावर कितनी वन, वन फिर लेंथ, लेंथ किसमें लेते हैं मीटर में, इसमें किसमें लेते हैं सेंटीमीटर में, पावर कितनी वन, T1 upon T2 इसमें किसमें लेते हैं सेकंड में, इसमें भी किसमें लेते हैं सेकंड में, पावर कितनी हो जाएगा माइनस टू, सेकंड से सेकंड कट गया, ठीक है। एक मिनट से कम समय बचा है, वापस से रिज्वाइन करना आप लोग, ठीक है। इसको अब केजी और ग्राम को काट नहीं सकता, तो केजी को या तो ग्राम में चेंज कर दो, ग्राम को केजी में कर दो, ठीक है। तो टेन इंटू केजी कैसे चेंज होगा, 10 इंटू 1000 ग्राम होता है ना 1 केजी, तो 1000 ग्राम हो गया मीटर, मीटर को सेंटीमीटर में कैसे करते हैं 1 मीटर इक्वल टू कितने सेंटीमीटर 100, तो 100 सेंटीमीटर लिख दो यहाँ पे, यहाँ पे तो सेकंड से सेकंड कट ही गया, 1 की पावर क्या होती है माइनस टू, तो यहाँ पे 1 ही बचेगा, ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, तो देखो कितने जीरोज है 1 2 3 4 5